तो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि याद भी नहीं है क्या पढ़ाए थे, जो भी पढ़ाए, लेकिन इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस का ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को हम दे चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो नए भी पढ़ेंगे तो चलेगा, आप लोग को हम मीन मीडियन मोड जो कि बहुत इजी है और आप लोग पढ़े भी होंगे इससे पहले वाली क्लास में, तो इसीलिए मैंने फिर उसको एक साथ बनाने का तरीका बतला दिया था। और एग्जाम में कोशिश करिएगा आप लोग वही क्वेश्चन सॉल्व करने का, और ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो चाह रहे थे कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दूँ, लेकिन आप लोग बार बार मैसेज करते हो नहीं सर क्वेश्चन दीजिए, तो मुझे एक्सपीरियंस है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, क्या चीज़ पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। जिस तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का न्यूमेरिकल मेथड ले लीजिए, उसमें जेकोबी और सेटल मेथड हम नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, कहे इसीलिए नहीं पढ़ाना चाह रहे थे क्योंकि वो अथवा में रहता है, हमेशा गॉस एलिमिनेशन रहता ही है, वो ईजी भी है, लेकिन आप लोग बार बार करते हो नहीं दो। अरे सिलेबस कम्प्लीट ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग वो भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवा रहे हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा, तो समय पर तो सिलेबस खत्म नहीं होगा। मैं तो 25 तारीख तक में कर देते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये क्वेश्चन का जवाब, वो क्वेश्चन का जवाब, ये भेजिए वो भेजिए, आप तो खुश ही नहीं रहते हो। तो चलिए दो तीन दिन और लगेगा ही। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देख लीजिए, लिख लीजिएगा आप लोग एस डी बराबर समेशन एफ डी स्क्वायर बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है नोट कर लीजिए। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस को कहते हैं सिग्मा का स्क्वायर, मतलब ये जितना है ना ये रूट से बाहर हो जाएगा, समेशन एफ डी स्क्वायर बटे समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू आएगा ना रूट में, बस रूट के अंदर वाला जो पार्ट है उसको बाहर कर देना, वही वेरिएंस हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं इसीलिए एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है वेरिएंस, मतलब एस डी को रिप्रेजेंट किया जाता है वेरिएंस, ये वेरिएंस नहीं है, वेरिएंस होता है सिग्मा का स्क्वायर, जिसे 6 है 6 है उसका स्क्वायर, लेकिन जब स्क्वायर खत्म कर देंगे बताओ ये जो है ऐसे खत्म कर देंगे तो ये रूट आ जाएगा ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए, यही फॉर्मूला से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। चलो नोट करो जल्दी, चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाने वाला तो फार्मूला में देखिए क्या क्या है। एफ है फ्रीक्वेंसी तो दिया ही है, डी है, डी बराबर भी फार्मूला लिखना है तो लिख लो, डी बराबर होता है एक्स माइनस मीन, ठीक है इसको भी आप नोट कर लीजिए, रिज्यूम मीन इसको भी नोट कर लीजिए आप। एज्यूम मीन कहते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम मीन हम लोग फाइंड करने के लिए आपको बताएंगे। चलो मैं कहें समेशन एफ को कैपिटल एन भी लिखा जाता है, मिटाते हैं इसको, एक डाटा तैयार करें। ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, ये एक्स का वैल्यू जिसको कहते हैं मिड पॉइंट यानी वर्ग चिन्ह, उसके बाद स्टूडेंट हो जाएगा डी, डी बराबर हो जाएगा एक्स माइनस ए, उसके बाद स्टूडेंट्स डी स्क्वायर, फिर एफ डी, एफ डी स्क्वायर, इतना घर बनाना पड़ेगा।
टोटल कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सात घर तैयार करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होगा सात घर तैयार करना, पहला तो क्लास दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक्स हमें निकालना है, डी फाइंड करना है, फिर डी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इस डी को एफ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और फिर एफ को डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्लास इंटरवल क्या है, 4 से 6 या फिर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा देना है। ठीक है, उसके बाद है 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, यहाँ तक है। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, चाहे जोड़ करके लिखने में आसानी होगा क्या। अच्छा, इतना ही कर लिए। अब स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है आपका 13, 10, 9, 5, 8, फिर 5, सही है ना, दो बार 5 आया है, चेक कर लेता हूँ मैं, 5 5। ठीक है, अब x चाहिए, x कैसे फाइंड होता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है स्टूडेंट्स। ये जो क्लास है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ध्यान करके 2 से भाग कर दो, 6 + 4 यानी 10, 10 को 2 से भाग करें कितना आएगा 5, देखो 8 6 14, 2 से भाग दीजिए 7, फिर 10 8 18, 2 से भाग दीजिए 9, मतलब 2 2 देखो बढ़ रहा है, 5 2 7 2 9, फिर 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, ये भी हो गया। अब एज्यूम मीन जो मानते हैं स्टूडेंट, इसी एक्स में माना जाता है, एज्यूम मीन ए जो है इसी एक्स में हम किसी भी नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा वाला होता है, जो सबसे बड़ा हो उसी को स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी मानते हैं। इसमें सबसे बड़ा देखिए क्या है, 13 है, इसको फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ। और उसी के सामने देखिए ये जो 4 है ये इसका लोअर लिमिट हो जाएगा, मतलब एल, लेकिन जरूरत पड़ता ही नहीं ये सबका। ठीक है, ये सबको जरूरत पड़ता ही नहीं, इसीलिए स्टूडेंट्स हम ये सब घेरना है नहीं, ये मीन मीडियन मोड है ना, उस पर मेरा ध्यान चला गया था, इसीलिए घेरना स्टार्ट कर दिए, तो जरूरी नहीं है। तो इसमें आप जिसको मान चाहो उसको एज्यूम मीन मान सकती, कोई स्टूडेंट एज्यूम मीन 5 मान लेगा, टोटल कैलकुलेशन कर ले, आंसर जो आएगा वही आंसर आने वाला है 7 को एज्यूम मीन मानने, वही आंसर आने वाला है 9 को एज्यूम मीन मानने, मतलब इसमें से किसी भी नंबर को आप एज्यूम ए स्मॉल ए का वैल्यू मान सकते हो। ठीक है, एज्यूम करना मतलब किसी को मान, तो माने हम 9 को चलिए मान लेते हैं, एज्यूम मीन ए ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते जाते हैं, क्योंकि ए इक्वल टू क्या मान लिया है 9, अब यहाँ से माइनस करना है 9, ये एक्स माइनस ए, x माइनस 9 माइनस करना है, इस 5 में से 9 को माइनस करो कितना बचेगा -4, 7 में से 9 को माइनस करो -2, 9 में से 9 0, 11 में से 9 तो 9 2 11, 13 में से 9 माइनस करो तो 9 4 13, यहां हो जाएगा 9 6 15 6। डी हमने फाइंड कर दिया, इसी में से एज्यूम मीन माने और इसी में से माइनस करके यहाँ पे लिख दिया। अब डी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 16, यहाँ पे 36। अब एफ डी करो, इस एफ में 13 को माइनस 4 से गुना करना होगा तो -52 -20, 9 मल्टीप्लाई 0 तो 0, 5 × 2 = 10, 8 × 4 = 32, 5 × 6 = 30, कौन है जी, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एफ डी स्क्वायर मतलब ये जो डी स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये हो जाएगा कितना 16 40 4 16 4 20 यानी 208,
उसके बाद स्टूडेंट्स इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर 4 से तो 40, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 8 मल्टीप्लाई 16 कितना होगा 128, और उसके बाद 5 बचा, 5 मल्टीप्लाई 36 तो जाएगा 6 बचे 30, इधर गए 6 बचे 30, 5 या 15 3 18 कितना आया स्टूडेंट्स। तो सारा डाटा तैयार है, किसका किसका जरूरत है, समेशन ऐप का जोड़ दीजिए तो देखिए कितना 13 कैसे जोड़ा जाए 13 10 23 28 9 23 7 30 2 32 32 5 37 37 3 40 40 5 45 10 50 50 आया। अब किसका जरूरत है, एफडी का, समेशन एफडी। चलिए जोड़िए -52 -20 -72 72 आ रहा है, इधर देखिए ये हो रहा है 2 तीन तीन छो एक 7, ये स्टूडेंट 0 हो रहा है, ये पार्ट 0 हो रहा है। आदित्य हाँ बस है 10 मिनट में वीडियो तैयार कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बस 10 मिनट में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको ऐड किए वैल्यू क्या आया 0, कर लेना है सही है गलत। अब इसको ऐड करिए 8 + 8 यानी 16, फिर 4 1 5 2 7 2 9 9 1 10 17 ये बच रहा 1 2 3 3 2 5 576 क्या 576 आया है स्टूडेंट्स। समेशन एफ डी स्क्वायर इक्वल टू 576 नोट कर लो। इतना करने के बाद यहाँ भी लिख दीजिए समेशन एफ बराबर आया है आपका 50, समेशन एफ डी बराबर आया है आपका 0, समेशन एफ डी स्क्वायर आया है आपका 576। इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर, यही था ना। देखो लाइफ कट गया है, अब थोड़ा इधर से हम दिक्कत होगा बाबू थोड़ा बस। मैनेज कीजिए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए एस डी बराबर समेशन एफ डी स्क्वायर कितना है 576 बाय 50 माइनस समेशन एफ डी क्या है 0/50 का होल स्क्वायर। तो 0/ यही नंबर क्या हो जाएगा 0 ही, उसको छोड़ देते हैं तो क्या बच रहा है यहाँ पे रूट अंडर 576 बाय 50। अब देखिए ये बाहर करते हैं, मोबाइल है तो स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, मेरे पास आंसर है 3.394। ये स्टूडेंट्स रूट के बाद आएगा 3.394। तो एस डी का वैल्यू क्या निकला स्टूडेंट्स, इसीलिए एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 3.394 ये आपका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का, नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपको, लाइट कट गया थोड़ा दिक्कत तो हो रहा होगा। आंसर है 3.394 ये स्टैंडर्ड डेविएशन। डायरेक्ट कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर वेरिएंस पूछता तो देखिए वेरिएंस क्या होता है इसका,
पूछा गया नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, पूछ नहीं देता, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस। तो यही डाटा रहेगा, ठीक है, सारा चीज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किए, इसीलिए वेरियंस यहाँ निकाल लेते हैं। इसके बाद वेरियंस बराबर कितना, सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन एफ डी स्क्वायर बटे समेशन एफ माइनस समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये पुट होगा 576 बटे 50, ये तो जीरो हो जाएगा। अब ये 576 बटे 50 का कैलकुलेशन कर दो, देखो हम निकालते हैं। क्या हो जाएगा 576 डिवाइड 50, ये 11.52। यानी स्टूडेंट्स जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा आपका 11.52, यानी वेरिएंस आ जाएगा 11.52, ये आंसर ना। तो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस का वैल्यू ज्यादा होता है, क्योंकि ये तो रूट में होता नहीं है, उसका तो स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो वेरिएंस का वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्रेटर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है किससे, वेरिएंस से। तो इसका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करके दिखाया है, ये वाला नोट कर लीजिए। तो एक वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टूडेंट देखा कि किस तरह से वेरिएंस, किस तरह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया जाता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्लास जो दिया है स्टूडेंट्स, ये x का वैल्यू दिया है, x बराबर दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक, और f जो दिया है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी, ये दिया है 14, 21, 25, 43, 51, 40, 29 और यहाँ पे दिया है 12। ये पूछा गया है क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो टेंशन नहीं लीजिए। इसमें x का जो वैल्यू है ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, जो हम x फाइंड करते थे, जैसे कि ये क्लास है, ये जो x फाइंड करते थे ना, यही वाला x ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो हमें इसका कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इसका कोई जरूरत नहीं है ही नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन को, देखिए स्टूडेंट्स फिर डाटा तैयार करूंगा इसकी इस तरह से, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा, यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा एक्स माइनस ए, यहाँ से डी स्क्वायर, यहाँ से एफ डी, और यहाँ पे एफ डी स्क्वायर, कुछ है ही नहीं। एक बच्चा ने कहा था सर कि इस प्रकार का कुछ नहीं बनता है, आज से बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है, जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ ऐसा ही है। ठीक है, एक घर कम हो गया, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 उस पर 7 बना था, क्यों, क्योंकि क्लास इंटरवल दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार का क्वेश्चन में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं, लाइट जो कट गया है ना, फ्रीक्वेंसी है 14, 21, 25, 43, 51, 40, 29
12। क्या करना है स्टूडेंट्स, डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने के लिए क्या, एक्स माइनस ए, तो इसी लाइन में हम किसी को एज्यूम भी मान लेते हैं। किसको मानना है आपको एज्यूम, जीरो को मानना है या फिर वन को, टू को, थ्री को, किसी को मान लिया फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैंने हम मान लिया टू को, ठीक है, आसान रहेगा, इसको एज्यूम मीन मान लिए, यानी x माइनस ए। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि एज्यूम मीन ए बराबर टू हमने मान लिया, माइनस कर दी जीरो में से टू माइनस कर, सॉरी यहाँ पे टू लिखेंगे, जीरो में से टू माइनस करते हैं कितना बचेगा, माइनस टू, वन में से टू माइनस वन, ये जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। अब डी एस वाई, फोर वन जीरो वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव। अब एफ डी, चौदह गुना माइनस दो माइनस अट्ठाईस, इक्कीस गुना माइनस एक माइनस इक्कीस, ये जीरो, फोर्टी थ्री एक सौ दो, चालीस किया एक सौ बीस, उसके बाद उनतीस गुना चार नौ चौक छत्तीस, चार गुना आठ तीन ग्यारह, उसके बाद बारह गुना पच्चीस, तो पच्चीस गुना पचास पाँच, पच्चीस पाँच तीस यानी तीन सौ, उसके बाद डी स्क्वायर वाला से इससे फिफ्टी सिक्स इक्कीस जीरो, फिर फोर्टी थ्री, फिर इक्कीस गुना चार इक्यावन गुना चार चार पंच बीस दो सौ चार, चालीस गुना ये नौ चक छत्तीस यानी तीन सौ साठ, फिर उनतीस गुना सोलह, सोलह को नौ सौ गुना कर एक सौ चौवालीस, यहाँ जाएगा चार चौदह बच रहा है ना, फिर सोलह दोनों बत्तीस, चार दो छः तीन एक चार, ये हो जाएगा चार सौ चौंसठ, फिर पच्चीस गुना डी स्क्वायर से गुना कर दिए थे इसको, पाँच सौ गुना बारह बचे साठ, ये इससे गुना होगा पच्चीस तो तीन सौ हो जाएगा। देख लीजिए गलती नहीं किए हैं, अट्ठाईस इक्कीस जीरो फोर्टी थ्री एक सौ दो बीस नौ चौक छत्तीस, अब फिर चार गुना आठ ग्यारह बारह बचे सात, फिर इसको इससे छप्पन इक्कीस जीरो, फिर फोर्टी थ्री बावन गुना चार दो सौ चार, चार नौ चौक बीस ठीक है, नौ चौक छत्तीस, फिर सोलह हाँ ये सही है, फिर पच्चीस गुना बारह तीन सौ, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, समेशन एफ बराबर कितना जोड़ दीजिए, तो चार पाँच, देख लीजिए स्टूडेंट कहीं मेरा लिखा होगा अच्छा से, दो सौ पच्चीस आया, दो सौ पैंतीस ये आ जाएगा दो सौ पैंतीस। अब स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे समेशन एफ डी को, ये भी देखिए समेशन एफ डी हमारा जो आया है तीन सौ छियालीस आया है, तीन सौ छियालीस थ्री फोर्टी सिक्स, थ्री फोर्टी सिक्स, और ये आया आठ सौ बीस, समेशन एफ डी स्क्वायर आया है आठ सौ बीस, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे, ये तो एज्यूम मीन हमने टू मान के चला था, समेशन एफ आया है आपका 235, समेशन एफ डी आया है आपका, समेशन एफ डी आया है 346, समेशन एफ डी स्क्वायर आया है स्टूडेंट्स 820, इसीलिए आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एफ डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे समेशन एफ माइनस
समेशन एफ डी बटे समेशन एफ का होल स्क्वायर, ना ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका समेशन एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर वैल्यू कितना है 820, समेशन एफ का 235 माइनस समेशन एफ डी 346 बाय समेशन एफ 235 का होल स्क्वायर। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखिए हमारा आंसर कैलकुलेट किया हुआ है, बस आप अपना आंसर मिला लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आया है स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कैलकुलेशन आया है ना, ये हमारा कैलकुलेशन आया है कर ही ले क्या, ये आया है स्टूडेंट्स 1867 एच डी का है। आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, देखिएगा सही है या गलत, ठीक है कर ले क्या। देख लीजिएगा आंसर तो ये है, लेकिन आप देखिएगा क्या आंसर है, ठीक है इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखना क्या आंसर आएगा। नोट कर लीजिए, अगर यही वेरिएंस पूछता तो इसका इस पर लिखते 820 बटे 235 माइनस 346 बटे 235 का होल स्क्वायर, ये इसका कैलकुलेशन करते जो आंसर आता है। तो आपको एस डब्ल्यू दिए हैं, इसका कैलकुलेशन सही से करने के लिए कैलकुलेटर आपके पास होगा, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर और वेरिएंस स्क्वायर, मतलब ये वेरिएंस हो गया ना, तो ये स्टैंडर्ड डिविजन, ये वेरिएंस, ये देखिए क्या आंसर क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है नोट करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं और 5 वीडियो से 6 वीडियो लेक्चर में प्रोबेबिलिटी भी खत्म हो जाएगा, कोशिश करूंगा कि आज ही उसको कंप्लीट कर देने का। थैंक यू।